शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के तमाम दावों के बीच खासकर बाहरी कॉलोनियों को चोर लगातार निशाना बना रहे हैं। ऐसी ही एक वारदात में चोरों ने रोहतक रोड स्थित बैंक कॉलोनी में देर रात के वक्त एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाया व जाते जाते दुकान में आग भी लगा दी। वारदात से आक्रोशित इलाके के लोगों ने रविवार को जमा होकर भिवानी रोहतक मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर थाना शहर प्रभारी संदीप शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे व इलाके में पीसीआर वैन व राइडर सवार जवानों को तैनात करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। आए दिन यहाँ चोरी होती थी और उसके अंदर काफी जो कॉलोनी वासी हैं बहुत परेशान थे, इसलिए पुलिस व प्रशासन को काफी लेटर दिए गए थे, एप्लीकेशन दी गई थी। आज उसके ऊपर कार्रवाई हुई है सब इकट्ठे होके, और इसके ऊपर आश्वासन दिया है कि एक राइडर और एक पीसीआर यहाँ खड़ा रहेगा, 24 घंटे तैनात रहेगा पूर्ण रूप से। और यहाँ पे वो दुकानों के अंदर रात को चोरी हो गई थी, जिसके आक्रोश में जो ये कॉलोनी वासी हैं उन्होंने यहाँ पे जाम लगाया था, जो जाम खुलवा दिया गया है और इनकी कंप्लेंट लेकर के उस पर FIR दर्ज की जा रही है।